हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राजा अवस्थी और फोटोशॉप के बिगिनर्स कोर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों ने कल का हमारा जो वीडियो था उसे देखा और बहुत सारे कमेंट्स किए कि भैया आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपने हमें अप्रिशिएट किया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज का ये जो टॉपिक है, ये बहुत सारा प्रॉब्लम लोगों को आता है कि भैया मेरे पास जो सिस्टम है या मेरे पास जो फोटोशॉप है उसमें कैमरा रॉ की फाइल नहीं खुलती है या उसमें रॉ फाइल नहीं खुलती है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आप बोलते हैं कि आप फोटोशॉप में रॉ फाइल ओपन कीजिए, बट मेरी रॉ फाइल ओपन नहीं होती है, ऐसा क्या कारण है? या इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं कि भैया मैं रॉ में इसलिए शूट नहीं करता हूँ क्योंकि मेरे में रॉ प्रोसेसिंग होता ही नहीं है, जब भी मैं फोटोशॉप में रॉ फाइल ओपन करने की कोशिश करता हूँ तो वो रॉ फाइल ओपन नहीं होता है। सो क्यों नहीं होता है, पहले इस रीज़न को समझेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे रॉ फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें थोड़ा सा थ्योरिकली समझना इम्पॉर्टेंट है। मैं कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ और उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे कि भैया ये कैसे ओपन होगा और इसका क्या प्रोसेस है। सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास D90 कैमरा होगा निकॉन का, तो उसकी जो रॉ फाइल है ना वो किसी भी वर्जन में खुल जाएगी, यानी CS3 में भी ओपन हो जाएगी, CS4 में, CS5 में, CS6 में, फोटोशॉप CC के किसी भी वर्जन में ओपन हो जाएगी। अगर आप निकॉन D90 की फ़ोटो को लेते हैं तो उसी कंडीशन में या उसी क्रम में अगर मैं 7000 की फ़ाइल कहूँ तो 7000 की जो फाइल है वो फोटोशॉप CC 2017, 18, 19 में तो आसानी से खुल जाएगी, लेकिन वही वो फोटोशॉप CS3 में ओपन नहीं होगी। अब क्यों नहीं होगी, या आपको लगता है यार मैंने फोटो भाई मेरे पास D90 की फ़ोटो जो थी वो तो ओपन हो रही थी लेकिन ये वाली फ़ोटो ओपन नहीं हो रही है, तो एक सिंपल सा रूल है। फोटोशॉप भी एक सॉफ्टवेयर है और फोटोशॉप भी कंटिन्यू अपडेट होता है जैसे आपके कैमरे अपडेट होते हैं। सपोज आपका जो फोटोशॉप CC 2018 है, अगर उसमें कोई नई फोटोज ओपन नहीं हो रही है तो उसका कारण क्या होगा कि आपके पास जो कैमरा है हो सकता है वो उस 18 वर्जन से एडवांस हो। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ तो आपको ये चीज़ एकदम क्लियर हो जाएगी। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मान के चलिए अभी का कोई लेटेस्ट कैमरा है, सपोज सोनी A7 Mark III है, आपने कैमरा लिया सोनी A7 Mark III, तो उसकी जो रॉ फाइल का जो भी फॉर्मेट होगा, हो सकता है आपके पास जो फोटोशॉप हो, लाइक आपके पास फोटोशॉप CS6 हो सकता है या फोटोशॉप CC 2017 हो सकता है। तो इसको आपको एक चीज़ देखना है, अगर आपने जो कैमरा लिया है उसका लॉन्चिंग डेट कब है और आपने जो फोटोशॉप यूज़ कर रहे हैं उसका लॉन्चिंग डेट कब है। अगर आपका फोटोशॉप का लॉन्चिंग डेट पहले का हुआ और आपके कैमरे का लॉन्चिंग डेट बाद का हुआ तो आप ये मान के चले कि आपके फोटोशॉप में वो फाइल ओपन नहीं होगी या उस कैमरे की फाइल ओपन नहीं होगी। इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मेरा जो कंप्यूटर है उसमें मैंने दो फोटोशॉप डाल के रखे हैं। फोटोशॉप नंबर 1 है फोटोशॉप CS6, तो यहाँ पर देखिए फोटोशॉप CS6 है, मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर है मेरे कंप्यूटर में फोटोशॉप CS6, कहाँ पर है भाई, ये है फोटोशॉप CS6 64 बिट, एंड यहाँ पे देखिए इसके ऊपर है फोटोशॉप CC 2019। तो ये फोटोशॉप डाल के मैंने क्यों रखा है, ताकि मैं आपको समझा सकूं कि भाई इसमें एक्चुअल में क्या होता है। अब यहाँ पर देखने वाली बात क्या है, यहाँ पर मैंने एक फ़ोटो ओपन करके रखी है। सबसे पहले मैं आपको फ़ोटो का स्पेसिफिकेशन दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि क्या कैसा डिटेल है। यहाँ पर देखिए एक सिंपल सी फ़ोटो है, ये वाली फ़ोटो। अगर इस वाली फ़ोटो पे मैं जाऊं और राइट क्लिक करके इसके इन्फो में क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं कि फाइल इन्फो में दिखाता है कि भाई ये जो फ़ोटो है ये कैनन के EOS R से क्लिक की हुई है और इसका डेट और टाइम जो भी होगा XYZ ये सारा चीज़ दिखाता है। तो ये फ़ोटो देखिए, ये JPEG फ़ोटो है, बट अगर मैं इसी के रॉ फ़ोटो पर जाऊँ और इसे ओपन करने की कोशिश करूँ, देखिए मैं इसे यहाँ से क्लिक करता हूँ, इसे ड्रैग करके यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप पे लेके जाता हूँ और यहाँ पे मैं अगर इसे छोड़ता हूँ तो फोटोशॉप देवता बोलता है कि कुड नॉट कंप्लीट योर रिक्वेस्ट बिकॉज इट इज़ नॉट द राइट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट। क्यों, ये बता रहा है कि भाई ये ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जो इस चीज़ में ओपन हो सके।
ये सिंपल सी बात है दोस्तों, जैसे ही आपके पास इस तरीके के मैसेज आते होंगे तो आपको लगता होगा यार ये फोटोशॉप में ये फाइल ओपन नहीं होती है और अब रॉ फाइल में शूट करना बेकार है। और इस दौरान क्या होता है, हमको ये लगता है कि यार ठीक है यार अब हम जेपेग में ही फोटो शूट कर लेते हैं और जेपेग में करके काम निपटा देते हैं। बट याद रखें, जब आप जेपेग फाइल में शूट करते हैं तो आप अपने कैमरे का ऑप्टिमम यूज नहीं कर रहे हैं। इसके बारे में हम हमारे आने वाले एपिसोड में देखेंगे। फिलहाल अब यहाँ पे देखें, अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप लाइसेंसी वर्जन आपने फोटोशॉप लिया है तो आप इसे डायरेक्ट अपडेट कर सकते हैं कैमरा रॉ को। अदरवाइज आपके पास अगर लाइसेंसी वर्जन नहीं है, आप कहीं से क्रैक वर्जन चला रहे हैं या फिर ट्रायल वर्जन चला रहे हैं, तो आपको क्या करना है, उस वर्जन को अपडेट कर लेना है। यानी यहाँ पे देखिए, मैं इसे यहाँ से क्लोज कर देता हूँ एंड यहाँ पे जाके मैं फोटोशॉप CC 2019 को ओपन करता हूँ। यहाँ पे मैंने फोटोशॉप CC 2019 को ओपन किया। तो दोस्तों यहाँ पे फोटोशॉप CC 2019 मेरा ओपन हो गया है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से देखिए मैं वही फाइल लूँगा, ये फाइल अभी भी सिलेक्टेड है एंड इस फाइल को जैसे ही मैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा CC 2019 में, तो ये फाइल बकायदा ओपन हो जाएगी कहाँ पे, कैमरा रॉ में, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब दोस्तों आपको लग रहा होगा कि यार ये फाइल इसमें ओपन हो गई, तो इसका रीज़न क्या था कि ये रॉ जो है यहाँ पे देख सकते हैं, रॉ कैमरा रॉ 11.3 वर्जन है, इसलिए इसमें ये रॉ फाइल इजीली ओपन हो गई। जबकि अगर मैं इसी को फोटोशॉप CC 2017 में ओपन करता तो शायद ये जो रॉ फाइल है ये ओपन नहीं होती। अब दोस्तों अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट समझने वाली बात ये है कि अगर आपको इस तरीके का प्रॉब्लम आए तो अब आपको कुछ नहीं करना है। आपको इसका आइडिया हो गया है कि आपको सिर्फ और सिर्फ फोटोशॉप में प्रॉब्लम है, यानी कि आपका फोटोशॉप अपडेटेड नहीं है, इसीलिए आपकी रॉ फाइल ओपन नहीं हो रही है। सो अब ध्यान रहे, अगर इस तरीके का प्रॉब्लम आए तो सबसे पहले आपको अपना फोटोशॉप अपडेट करना है। सो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको वीडियो में ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि आपका रॉ फाइल ओपन क्यों नहीं होता है। एंड आई होप अब आपके सारे रॉ फाइल आप जब भी रॉ में शूट करेंगे तो वो किसी भी फोटोशॉप में आपको ओपन नहीं करना है, आपको उस फोटोशॉप में ओपन करना है जिसके लिए वो फोटोशॉप में ओपन हो सकता हो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो, नहीं हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग। और हाँ, आप हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से आप जेपेग फाइल को भी रॉ में ओपन कर सकते हैं। तो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच।